नमस्कार दोस्तों, बैट एंड बॉल बड़ी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 19 गेंदों में धमाकेदार जीत, इंग्लैंड ने ओमान को किया ध्वस्त। T20 वर्ल्ड कप 2024, इंग्लैंड की धमाकेदार जीत, ओमान पर रिकॉर्ड्स की बरसात, और मुझे खुशी है कि आप हमारे साथ है। गाइस, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, यहां आपको क्रिकेट और स्पोर्ट्स से जुड़े सारे अपडेट मिलते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 के मैच नंबर 28 में इंग्लैंड ने ओमान को सिर्फ 19 गेंदों में हराकर सबको चौंका दिया। इंग्लैंड ने इस मुकाबले में एक नए कीर्तिमान स्थापित किया और ओमान की टीम को 8 विकेट से हराया। इस मैच में कई रिकॉर्ड्स टूटे और इंग्लैंड ने साबित कर दिया कि क्योंकि उन्हें क्रिकेट का बादशाह माना जाता है, ओमान की दुर्दशा 47 रन पर ढेर। नॉर्थ साउंड के सर विविन रिचर्ड स्टेडियम में हुए इस मैच में ओमान की टीम 13.2 ओवर में सिर्फ 47 रन ही बना पाई। आदिल राशिद की धाकड़ गेंदबाजी ने 11 रन देकर 4 विकेट चटकाए। वहीं मार्क वुड और जोसफ अचर ने 12-12 रन देकर 3-3 विकेट लिए। ओमान की बल्लेबाजी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई और वे एक न्यूनतम स्कोर पर सिमट गए। इंग्लैंड का ताबड़तोड़ जवाब, 48 रनों का मामूली लक्ष्य इंग्लैंड ने महज 19 गेंदों में हासिल कर लिया। कप्तान जोस बटलर ने सिर्फ 8 गेंदों में 24 रन बनाए, जिसमें 4 चौके 1 छक्का शामिल था। फिल सॉल्ट ने 3 गेंदों में 12 रन और जॉनी बेयरस्टो ने 2 गेंदों में नाबाद 8 रन बनाए। इंग्लैंड ने 101 गेंदे शेष रहते मैच जीत लिया, जो T20 वर्ल्ड कप में किसी फुल मेंबर देश की सबसे बड़ी जीत बन गई। अंक तालिका में उछाल, इस जीत से इंग्लैंड के 3 मैचों में तीसरा अंक हो गया है और वे अंक तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। उनका नेट रन रेट भी अब +3.081 हो गया है, जो स्कॉटलैंड के 2.164 से बेहतर है। इंग्लैंड का सुपर 8 में क्वालिफाई करना अब रविवार को ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड के बीच होने वाले मैच पर निर्भर करेगा। अगर स्कॉटलैंड जीतता है तो वह सुपर 8 में जगह बनाएगा, अन्यथा इंग्लैंड को नाबिया के खिलाफ जीत हासिल करनी होगी। रिकॉर्ड्स की बरसात, सबसे कम टीम स्कोर ओमान का 47 रन T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में चौथे सबसे कम स्कोर बन गए। सबसे बड़ी जीत, श्रेष्ठ गेंदे के हिसाब से इंग्लैंड की 101 गेंदे श्रेष्ठ रहते जीत T20 वर्ल्ड कप में अब तक की सबसे बड़ी जीत बन गई। 3 गेंदबाजों का कहर, आदिल राशिद, जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड ने 3-3 विकेट लेकर T20 वर्ल्ड कप में पहली बार किसी पारी में 3-3 गेंदबाजों द्वारा 3-3 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया। इस शानदार जीत के बाद इंग्लैंड की टीम का हौसला बुलंद है और वे अपने अगले मुकाबले में भी इसी लेम को बनाए रखने के लिए तैयार है। गाइज, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।